हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ, मैं आप लोग का ई लर्निंग के बारे में और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग इग्नू से बीसीए कर रहे हो तो BSc 011 जो कोर्स कोड है उसका जो थर्ड ब्लॉक में थर्ड यूनिट से ये क्वेश्चन आता है। मैं दिखलाता हूँ आप लोग को कि किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो जून 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का, ठीक है। फिर जून 2017 में भी आया है 4 मार्क्स का, ठीक है। मतलब ये इस टॉपिक से स्मॉल मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ई लर्निंग क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस टाइप्स के होते हैं। डेफिनेशन क्या बताऊँ तो बच्चों को भी पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी भी चीज़ को सीखना आज के डेट में ई लर्निंग कहलाता है। आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, सीखते हो, तो वो भी ई लर्निंग है। ऑनलाइन जो क्लासेस होती है वो भी ई लर्निंग ही है, ठीक है। तो हम लोग उसमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये डेफिनेशन आएगा तो ये डेफिनेशन जो मैंने लिख के रखा है वो सिंपल सा डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग मेन चलते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। आप देख सकते हो ये एडवांटेज है इसका, आप 24/7 कभी भी कहीं से भी इसकी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। यू कैन रीड योर टॉपिक सेवरल टाइम्स, बहुत बार इसका एक टॉपिक्स को बहुत बार आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। यू हैव मल्टीपल आंसर ऑफ वन सिंगल टॉपिक, एक टॉपिक्स का आपके पास मल्टीपल आंसर मिलेगा। सपोज आप कोई यूट्यूब पे कोई टॉपिक सर्च करते हो, ठीक है, तो वहाँ उसका मल्टीपल आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। शेयर योर आइडिया इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अपनी कोई भी आइडिया को इंडिपेंडेंट रूप से आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ई लर्निंग सेव योर टाइम एंड रिसोर्सेज, आपका टाइम बचाता है, आपकी रिसोर्सेज को सेव करता है, ठीक है। कनेक्ट मल्टीपल पीपल कनकरेंटली, एक साथ मल्टीपल पीपल कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम कोर्स मैनेजमेंट सच एज स्टूडेंट मे चूज़ कोर्स ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस से वो अपने कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सपोज इंग्लिश पढ़ने का अभी मन है तो अभी मैं इंग्लिश वीडियो देखूंगा, मुझे हिंदी पढ़ने का मन या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो अपने हिसाब से हम लोग इसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस बहुत सारा ई लर्निंग मटेरियल आपका पेड होता है, फ्री में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। ये तो उसका एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज पे चलते हैं। जो इसका पहला जो डिसएडवांटेज जो मैंने लिख के रखा हुआ है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एवरी लर्नर के लिए ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सूटेबल नहीं फील करते या कंफर्टेबल फील नहीं करते ई लर्निंग में, उन्हें फेस टू फेस लर्निंग ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर देन ई लर्निंग, ठीक है। तो सीखने का अपना प्रवृत्ति होती है, बच्चे का अपना सीखने का वो भी होता है ना, नज़रिया होता है कि या कैसे वो सीखना चाहते हैं या किस तरीके से उन्हें पढ़ाई समझ में आती है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है कि बहुत बच्चों को ई लर्निंग में वो लोग कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। सम टाइम लिमिटेड कंटेंट बहुत आर, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स का लिमिटेड कंटेंट भी अवेलेबल होता है नेट पे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो निगेटिव इम्पैक्ट शो करता है ई लर्निंग में। सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है या टीचर के पास वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है या नेट पे आप लोग कोई कंटेंट देखते हो वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो ये एक निगेटिव रूप मतलब कि इम्पैक्ट डालता है ई लर्निंग में। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ऑल्सो शो द निगेटिव इम्पैक्ट इन ई लर्निंग, मतलब कि कोई बच्चे के पास, मान लो आप अभी के डेट में लॉकडाउन में सब लोग बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है या मोबाइल चलाने अच्छे से नहीं आता है छोटे बच्चों को, तो ये भी उसका एक लिमिटेशन है। ऑथेंटिसिटी, मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर सपोज़ एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे किसी टीचर्स ने ये होमवर्क दिया करने को ई लर्निंग में, तो मैं अपने किसी फ्रेंड से करवा के सबमिट कर दूँगा, ठीक है। या बहुत सारा नेट पे मटेरियल रहता है किसी भी डेफिनेशन का या किसी भी चीज़ का, हो सकता है वो डेफिनेशन गलत नेट पे शो कर रहा है, अगर आप लोग अच्छे से जानकारी को सर्च नहीं करते तो बहुत जगह गलत इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, तो ये भी एक उसकी डिसएडवांटेज है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, ठीक है, बहुत सिंपल सा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।